बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आइए अब हम सुनते हैं सुंदर साथ जी के प्यारे भाव, स्वामी जी की चर्चा। अब हम सैया हम धाम चले, इनकी चर्चा हमने सुनी। सुंदर साथ जी ये यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इसका लिंक सुंदर साथ जी को आज के यूट्यूब के साथ ही और ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया जाएगा। जो सुंदर साथ दोबारा सुनना चाहते हो वो उसको फिर से भी सुन सकते हैं। हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी, उसके बाद सुंदर साथ जी रेडी रहेंगे, हमारे दुष्यंत भैया श्रीनिवास जी और भी जो सुंदर साथ बोलना चाहते हैं हैंड रेज जरूर करेंगे। हाँ जी प्रफुल्ला बेन प्रणाम जी, आज हमें ये चर्चा से बहुत अच्छी स्वामी जी ने सीख दी। जब पन्ना जी ने 11 वर्ष लीला हुई तो उसमें श्री जी सब सुंदर साथ को कैसे परम धाम की लीला में डुबोते थे, क्योंकि जागनी की लीला का जो हमें सीख देना है कि हम सुंदर साथ भी छठे दिन में के जैसे चर्चा अष्टपहर में की कि अष्टपहर हमारे लिए वो खास लीला है जागनी के लिए, कि जो जो सुंदर साथ श्री जी के साथ चले थे तो उन्होंने क्या क्या कुर्बान किया था, क्योंकि कुर्बानी की राह से ही हमें सब सीख मिलती है। जो जैसे मुरलीदास भाई ने कैसे चर्चा सुनते थे कि एक चित से हमें भी वह मुरलीदास बनना है, कि जब हमें भी किसी की चर्चा राज्य की वाणी की चर्चा सुने ना तो एक चित से सुने और दिल से सुने कि जैसे हमारे दिल तक पहुंचे और दिल से जो रस आता है ना उसमें से तो सब कुछ रस हमें मिलता है धनी जी का। तो छत्रसाल जी ने भी कैसी धनी की सेवा की, कैसे उन्होंने समर्पित किया, तो हमें भी ये छठे दिन में कैसे हमारे धनी के प्रति समर्पित करना है, क्योंकि अब तो धनी का साक्षात करना ही है लेकिन हमें उन्हें वांगमय तन से सुंदर साथ के ऊपर समर्पित होना है, क्योंकि धनी अब छठे दिन में सुंदर साथ के ऊपर ही बैठे हैं। और धनी ने ये बताया कि चितवन हमारा लास्ट समय चितवन का है, जब हम धनी को दिल में नहीं बसाएंगे तो चर्चा सुनने का भी कोई लाभ नहीं है, वाणी पढ़ने का भी कोई लाभ नहीं है। इसीलिए हमें सब सुंदर साथ को श्री जी ने प्रेरित किया कि अब तुम भी अब हम रहियो न जाव ही मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ आव ही संसार लगत है अगिन। तो संसार को हमें शरीर को एक बाजू नहीं करना है, हमें तो संसार को हृदय से काटना निकालना है और हृदय में धनी बिठाना है, क्योंकि जब तक हम अपना दिल धनी को नहीं देंगे तब तब हमें धनी का रस भी इसका रस भी हमारे दिल में हमें नहीं सुनने में आएगा, हमें वो रस भी प्राप्त नहीं होगा। और जब हम कहा ना कि जब हम चितवनी करेंगे तो हम सीधा परम धाम का रस नहीं लेंगे, हमें योग माया का भी रस लेना है और इस जागनी लीला में जो जो लीला हुई उसी को भी हमारे दिल में बसानी है। वो लीला जब तक हमारे दिल में नहीं बसेगी तब तक हमें परम धाम वाला रस भी नहीं आएगा। इसीलिए ये जागनी के ब्रह्मांड में हम रज की लीला, रास की लीला, देवचंद्र जी की लीला, परम धाम की लीला, प्राणनाथ जी की लीला, सब लीला को हमारे दिल के अंदर बसाकर हमें परम धाम की आत्म जागृति की राह प्राप्त होगी, क्योंकि ये सारी लीला हमारे धनी में हमारे साथ की है। वो लीला ही हमें याद नहीं रहेगी तो हमारा परम धाम हमें कैसे याद रहेगा, क्योंकि हम कहाँ आए, धनी ने ये फल क्यों बताया और कैसे बताया वो तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। इसीलिए हम सबको विरह भाव में डूबकर ये आंसू ही हमारे धनी के पास हमें पहुंचा सकते हैं। इसीलिए कहा ना कि द्रौपदी ने कैसे पुकारा था योगेश से, सबके पास गई लेकिन किसी ने इसकी सहायता नहीं की। सहायता किसने की, सहायता तो योगेश्वर ने की ने, तो हमने भी धन्य वही कहा कि जब हम किसी के पास जाते हैं ना तो वहां हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब हम दिल से
धनी को पुकारते हैं तो धनी हमारे साथ वो सुंदर साथ भेजते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है। आज भी धनी ने देखो कितनी हमें पुकार की थी ने कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं समझ आता, तो चितवनी लिख के लिए भी सोनिया दीदी ने भेजा। और जब ब्रजराज की लीला हमें नहीं समझ में आती थी तो धनी ने वो तन हमारे लिए खड़ा किया। तो आज हम सब किस लीला में डूब गए हैं, आज हम सब सुंदर साथ जितने भी जूम में बैठे हैं नहीं बैठे वो सब वो जानने के लिए उत्सुक है कि हमें किस लीला के लिए हमें इसको प्रेरित किया है। तो आज हमें सब कुछ मिल गया है, धनी ने अष्टपहर हमें दे दी, बानी दे दी, तो हम सब सुंदर साथ मिलकर एक विरह भाव लेकर और हमारे धनी के चरणों में हमारे धनी के दिल में प्रवेश करें, बस ऐसा ही इतना ही कहूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर प्रफुल्ला बेन, अति सुंदर शब्दों में आपने संक्षेप में स्वामी जी की चर्चा के बारे में बताया, अति सुंदर। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, शायद मुझसे गलती हुई, ये चर्चा YouTube पर आई थिंक अवेलेबल नहीं है, मैंने अभी अभी आशीष जी से पूछा, तो ये भी ऑडियो के रूप में ही अभी है, इसको भी जल्दी ही धीरे धीरे सुंदर साथ जी डाला जाएगा, तो जो चर्चाएं अभी हमारे पास हैं वो आपको Zoom पर ही सुननी पड़ेंगी अभी, पर जल्दी ही YouTube पे लाने का उनको किया जाएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, अब हम चलते हैं दुष्यंत भैया की तरफ और फिर श्रीनिवास अंकल और चांद कमल आंटी से भी हम उनसे भी सुनेंगे जरूर उनके प्यारे शब्दों में। हाँ जी दुष्यंत भैया, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम सुनिया दीदी, प्रेम प्रणाम सुंदर साथ जी। स्वामी जी की चर्चा, इतनी दिव्य चर्चा, पूज्य स्वामी जी की, इनके चरणों में प्रेम प्रणाम। अभी प्रफुल्ला बहन जी ने इतना सुंदर बता दिया, बिल्कुल सार रूप में सब उसको छूकर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। स्वामी जी का जो मैंने सार ग्रहण करा इस चर्चा का आधे घंटे की का, उसमें जो जोर दिया है स्वामी जी ने, वो ये कहा है कि अपने जो साक्षात प्रियतम हैं, उनको श्री इंद्रावती जी को शोभा दी महामती जी के रूप में, और महामती जी और अक्षरातीत में वैसे तो भेद नहीं है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा चौपाई में आ जाता है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य अलग हैं और इंद्रावती जी अलग हैं। तो वो भाव उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जहां अपनी अंगनाओं को शोभा दी वहां चौपाई में अर्थ आता है जैसे पृथक हैं, लेकिन श्री जी और इंद्रावती जी एक ही हो गई हैं इस जागनी ब्रह्मांड में। उन्होंने जो परम धाम का खजाना सारी निध हम सुंदर साथ को प्रकट कर दी है और साक्षात राज्य का ही मांग में स्वरूप हमारी श्रीमुखवाणी है, और श्रीमुखवाणी में हमारे प्रियतम की हृदय की बातें हैं, और ये तारतम का बल कोई ना जाने, एक जाने मूल स्वरूप, मूल स्वरूप के चित की बातें, तारतम में कई रूप। तो राज्य से बात करनी है तो हमें वाणी मंथन करना है, वाणी पढ़ना है, और ये राज्य की कृपा उनकी मेहर से ही हो पाना संभव है। वाणी अगर समझ में शुरुआत में नहीं आती है तो सुंदर साथ जी को बिल्कुल कतई नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि कहा उन्होंने, एता मता तुमको दिया जो कुछ जानो दिल, बेशक इलम ना समझे तो सहूर करो सब मिल। अगर नहीं समझ में आती है तो सब सुंदर साथ मिलके सहूर करें, और किसी को एक शब्द भी पता लगे तो भी दूसरे सुंदर साथ को उतना भी बताना चाहिए। तो राजी ने जब जागनी शुरू की सुंदर साथ को लेके चले, तो सूरत में लगभग 500 थे, और 500 सुंदर साथ को लेके जब आगे बढ़े महामती श्री प्राणनाथ जी, तो धीरे धीरे आगे वो बढ़ते गए और पन्ना धाम तक 5000 सुंदर साथ हो गए। इस बीच में किरंतन बहुत उतरी है, सर्वदेशीय किरंतन उतरी है, अलग अलग भाव से उतरी है, जिसमें ज्ञान भी है और व्यावहारिक ज्ञान भी है और मारिफत का ज्ञान भी है, हकीकत भी है। उन्हीं किरंतनों में से कुछ किरंतन ऐसी आती हैं जिनका भाव ऐसा लगता है कि स्वामी जी इस संसार को, प्राणनाथ जी संसार को छोड़ने की प्रेरणा दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि अब हम धाम चले तुम हो जो होशियार, या अब हम रहे हो न जामे मूल मिलावे बिन, हृदय चढ़ चढ़ावे संसार लगत अगिन। तो इन सब की प्रेरणा सुंदर साथ को उन्होंने दी कि अपने निज घर की का ध्यान करना है, चितवन करनी है। तो जागनी का अर्थ सिर्फ
तारतम का याद करना, तारतम की चौपाई हमें याद हो जाए। केवल जागनी इसे ही नहीं कहते, स्वामी जी ने बताया कि जागनी का अर्थ है यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। निज सुख अपने हम परम धाम में 25 पक्षों में कैसे रमण करते थे, अपने प्रियतम के साथ कहाँ कहाँ जाते थे, कैसे खेलते थे, वो निज सुख जब याद आएंगे। और इस संसार से तो, इस संसार को तो छोड़ना ही पड़ेगा, इसीलिए ब्रज की लीला इस जागनी लीला में भी उतनी महत्वपूर्ण है कि जैसे सखियों ने गोपद बच की तरह संसार को छोड़ दिया, जिस प्रकार से गाय के बच्चे के खुर में जितना पानी को पार करने में शक्ति लगती है, अर्थात बिल्कुल नहीं लगती, उतनी शक्ति सखियों को, हम ब्रह्म सृष्टियों को प्रेम में इतने तन्मय थी कि संसार को छोड़ने में उतनी भी नहीं लगी। तो इसीलिए आज के समय में इस जागनी लीला में ब्रज की लीला इतनी रेलेवेंट है कि हमको उन ब्रह्म सृष्टि, उन सखियों, ब्रज वधुओं का अनुकरण करना पड़ेगा। इस संसार में रहते हुए जल में नहाइए कोरे रहिए, इस संसार के अपने कर्तव्य निभाते हुए ऐसा रहना पड़ेगा अलग कि ब्रज वधुओं के सखियों की तरह इस संसार से हटके जब हम राज्जी का, उनके चरणों का, युगल स्वरूप के चरणों का ध्यान करेंगे तो वो अपनी जागनी है। तो प्राणा जी प्रेरित कर रहे हैं संसार में रहते हुए इस माया को किस प्रकार छोड़ना है, इसीलिए ब्रज, इसीलिए रास बार बार याद दिला रहे हैं। और बीतक में आता है कि धनी देवचंद्र जी भी और प्राणा जी भी ब्रज रास का दिखावत बोझ उस समय भी जो चर्चा करते थे सुंदर साथ में, ब्रज की लीला का, रास का बहुत बोझ दिखाते थे। क्यों? क्योंकि इस जागनी की लीला में ब्रज का भी सुख लेना है, रास का भी सुख लेना है, और जागनी में तो परमधाम का भी सुख राज जी ने अपनी तारतम वाणी के द्वारा दे दिया है। तो शरीर छोड़ने को कहीं नहीं कहा गया, उसका तात्पर्य इस संसार को छोड़ने से है और इस माया को छोड़ने से है कि जितनी जल्दी केवल शुष्क ज्ञान के सहित नहीं, टूटे हृदय के साथ, राज्जी के विरह के साथ अगर हम राज्जी का स्मरण करेंगे तभी हम राज्जी के चरणों में अपनी सुरता को लगा पाएंगे। तो ये मैंने कुछ सार ग्रहण किया। सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। अति सुंदर दुष्यंत भैया, सरल शब्दों में आपने पूरा सार इसमें पिरो दिया, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, अभी मैं एक सेवा आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इनको आज सभी सुंदर साथ जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। ये देखिए हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ कमलेश भाई जी की अति सुंदर सेवा होकर ये आ चुकी है। ये देखिए श्री कृष्ण त्रिधा लीला सहयोगिता क्विज नंबर 1, जो कि पहले हम चर्चनी में भी किया करते थे, बहुत ही सुंदर उन्होंने बना के तैयार किया। इसमें कुछ कुछ प्रश्न उन्होंने स्वयं बनाए हैं, कुछ कुछ प्रश्न रूबी जी के भी डाले गए हैं, मैंने तो थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। सारी सेवा हमारे कमलेश भाई जी ने किया, आपके चरणों में हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम जी। इतने सुंदर प्रश्न रोज टाइपिंग करके भी प्रेम टीम की तरफ से जो आ रहे हैं, प्रेम टीम बना रही है और वो उसको उसमें डाल डाल के हम सब सुंदर साथ को दे रहे हैं, आपके चरणों में प्रणाम जी। ये देखिए इसको जो पहली बार देख रहे हैं सुंदर साथ, देखेंगे हम सखियां परम धाम से खेल देखने कितनी बार आई, ध्यान दीजिएगा, एक बार, दो बार या तीन बार, मैं सही आंसर नहीं डालने वाली हूँ यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, तीन खेल जरूर देखे हैं पर आई कितनी बार है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, परम धाम से कितनी बार आई है, ये ध्यान देने वाली बात है। इस खेल का महाकारण क्या था, रूहों के दिल की इच्छा, कुछ कुछ प्रश्न मैंने भी ट्राई किए थे बनाने के, एक दो। हाँ जी, खेल में आने से पहले ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, खेल में आने से पहले ईश्वरी सृष्टि का निवास कहाँ था, ध्यान से कीजिएगा क्योंकि अंदर छुपे हुए हैं इन प्रश्नों के अंदर। और कोई बात नहीं, पहली बार में कुछ गलत भी हो जाते हैं ना, आप उसको मार्क्स देखते हैं। ये देखिए मैं इसमें से कुछ कुछ करके आपको दिखाती हूँ। सपोज मैंने 3 कर दिया, हालांकि मुझे पता है कि कुछ कुछ मैं रॉन्ग कर रही हूँ क्योंकि मैंने राइट आंसर दिखाने नहीं है,
ठीक है, खेल में आने का महाकारण क्या था, इनमें से कोई भी नहीं, मैं बिना पढ़े ही इनको किए जा रही हूं। ये देखिए, कोई भी मैंने इसमें से सपोज आपने ये कर दिए हैं और उसके बाद आप इसको नीचे, ये देखिए सब नीचे सबमिट बटन दिखाई दे रहा है ना सुंदर साहब जी, ये वाला, इसको सबमिट कर दीजिए ऐसे, और वो बोलता है अभी एक प्रश्न आपने किया नहीं उसको पहले करो। ये मैंने कर दिया और अब मैंने सबमिट पे प्रेस किया, अब देखिए मेरा स्कोर दिखाएगा कि कितने तुम्हारे, ये देखिए व्यू स्कोर, व्यू स्कोर पे आप क्लिक करेंगे और आपको दिखाएगा कि कितने गलत हो चुके हैं। ये देखिए बोलता है सिर्फ 3 नंबर आए हैं, 3, 10 में से केवल 3 मेरे सही थे, तो अब इनमें दिखाएंगे कौन कौन से मेरे ठीक थे और ये सारे बाकी मेरे गलत है। कोई बात नहीं, हम इसको फिर दोबारा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको फिर से वापस जाइए, फिर उसी लिंक पे क्लिक कीजिए और इसको दोबारा से कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए मैं फिर से ये लिंक क्लिक करूंगी, ये व्यू स्कोर बोल रहा था ना, तो सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, मैं एक और बार इसको ट्राई करूंगी, जब तक मेरे पूरे ठीक नहीं हो जाते ना तब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, एक भी मेरा गलत आ रहा है तो उसको फिर से दोबारा करूंगी, ठीक है। तो आज सभी सुंदर साथ जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, और कमलेश भाई को हम सब की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी कमलेश भाई, आप स्वामी जी की चर्चा के बारे में भी दो शब्द बोल दीजिए साथ ही। प्रणाम जी, देखिए प्रेम जुथ के चेहरों पर कितनी खुशी दिखाई दे रही है और बाकी सबके भी। हाँ जी प्रणाम जी कमलेश भाई, बाकी सब तो दुष्यंत भैया ने, प्रफुल्ला बहन ने बताया दिया चर्चा के बारे में जी। वो मैंने एक लिखा है कि 1748 से 51 तक स्वयं महामती जी ने चितवनी करके हम सब के लिए एक मार्गदर्शक रूप में उन्होंने चितवनी की थी, सब सुंदर साथ भी ऐसे चितवनी करके ध्यान लगाए। अरे वाह, बहुत सुंदर, और हम सब सुंदर साथ ने सुबह वो बैठना शुरू कर भी दिया है, उसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं सुंदर साथ जी, अति सुंदर। कमलेश भाई प्रणाम जी, प्रणाम जी। सबसे प्यारी जो मुझे आज की पंच लाइन जो बोलते हैं ना, जिसको पूरे में से मुझे एक बात बहुत सुंदर लगी जो दिल को छू गई, कि प्रियतम जो है ना सूने हृदय में नहीं आते, वो टूटे हुए हृदय में आते हैं। टूटा हुआ किसी और से टूटा हुआ नहीं, संसार से टूटा हुआ हृदय, उसमें प्रियतम विराजमान होते हैं। तो सुंदर साथ जी, संसार से तोड़ दीजिए इस दिल को, उस दिल में जो विरहा के आंसू टपकते हैं ना, उसके अंदर धनी आकर विराजमान होते हैं। तो खाली शुष्क ज्ञान नहीं सुंदर साथ जी, ज्ञान के बिना भी नहीं चलेगा, पर शुष्क ज्ञान भी नहीं चलेगा, उसमें प्रेम की भीनी सुगंध जरूर आनी चाहिए, उस हृदय में आकर कैसे प्रियतम विराजमान नहीं होंगे। अति सुंदर स्वामी जी के शब्दों में जिस गहराई से वो लेकर आते हैं और जहां से वो कहते हैं ना, हम सब सुंदर साथ पहचान रहे हैं। हाँ जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम, आवाज आ रही है? हाँ जी श्रीनिवास अंकल बहुत अच्छी आ रही है, और इसके बाद हम चांद कमल आंटी से भी प्यार भरे शब्द सुनेंगे। प्रणाम जी श्रीनिवास। आज की स्वामी जी की चर्चा जो है, उस वैसे तो उनकी चर्चा से कोई भी चर्चा आप लेंगे वो सब मार्फत में ही रहते हैं, नीचे उतरते ही नहीं है। शुरू से आखिर तक स्वामी जी की जितनी चर्चाएं हैं वो सब टॉप है। तो आज की जो चर्चा है उसमें श्रीनिवास अंकल, क्योंकि जो जिस स्थिति में होता है ना, आप नोटिस कीजिएगा उसी स्थिति से वो बोलता है। तो कई बार हम ऐसे होते हैं कि हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आती, आज से 20 साल पहले की ये चर्चाएं हैं, मैंने स्वयं इन फ्रंट ऑफ स्वामी जी बैठकर ये सुनी हुई है, पर मेरे यहाँ से निकल जाती थी, मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आता था। क्यों? क्योंकि पात्र नहीं थे, तो हम उस स्थिति में थे भी नहीं। आज थोड़ा थोड़ा धनी ने समझाना भी शुरू कर दिया ना, तो इसका मतलब उन्होंने पात्र तो सीधा करना शुरू किया है कम से कम हमारा। हाँ जी नाम जी। तो इसमें आज स्वामी जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है कि हमारे कुछ सुंदर साथ को ना, उसका अभी पता नहीं है कि महामती को ही वो प्राणनादी समझते हैं और प्राणनादी को ही महामती। तो उन्होंने बड़े अच्छे शुरू में स्टार्टिंग में ही उन्होंने ये बताया कि महामती जो है वो पंच शक्तियों का
समावेश होने के कारण श्री धन जी का जो आत्म गुरु मूल अम्ब मूल रतन है पांचों मिल भई महा, ये पांचों शक्ति परम नाम से आई है जो उनके हृदय में बैठी, तो इंद्रावती जी की शोभा का नाम महामती कहा, पूरी पहचान भई भी होगी तब धरो महामती नाम, ये महामती की जो शोभा है नाम की नाम मिला महामती का, ये पूरी पहचान राज्य की हुई तब उनको जो है ये महामती की शोभा मिली और ये पांचों शक्ति उसमें विराजमान हुई। और अक्षरातीत जो है वो महामती जी के भी लाल है, यानी वो भी उनके धनी है असम है, और वो प्राणनाथ जी, इसलिए महामती प्राणनाथ जी जैसे कि हमारे हिंदुओं में चलन है, जैसे हम कभी भी जब किसी को संबोधन करते हैं राम को कहेंगे तो सीताराम कह के बोलते हैं या राधा कृष्ण कह के बोलते हैं, तो पहले ऐसे ही महामती क्योंकि उनकी अंगना है तो पति का नाम बाद में लेते हैं तो महामती प्राणनाथ करके बोलते, तो एक उन्होंने दूसरा बड़ा अच्छा पॉइंट दिया स्वामी जी ने इसके अंदर कि अपंग दिल और शोषक दिल, अपंग दिल तो वो है जो एक बार किसी कारणवश वो टूट जाता है प्रेम वंचित रहता है, प्रेम की चाहत में चला लेकिन किसी कारणवश वो उसकी प्रेम की चाहत पूरी नहीं हुई, प्रेम के परिपक्व अवस्था में वो नहीं पहुंच पाया और टूट जाता है, तो स्वामी जी के अनुसार उसको आसानी से जो है प्रेम से जोड़ा जा सकता, लेकिन वो सुंदर वो साथी या वो सुंदर साथ ऐसे लोग जो शुषक दिल वाले अर्थात जिनके अंदर ज्ञान है लेकिन प्रेम में ज्ञान नहीं, जो तार जो हर बात पर वो तर्क उतर्क करते हैं और वो बौद्धिक स्तर पर ही अपने को रखते हैं, तो वो कहते हैं उनको समझाना सबसे टेढ़ी चीज है, जो जो बुद्धिमान लोग हैं उनको समझाना, क्योंकि प्रेम जो जो प्रेमी होता है उसको आता है उसका तो टारगेट होता है, उसको डेस्टिनेशन का पता होता है मुझे प्रेम चाहिए, इसीलिए वो जैसी वो चीज उसको प्राप्त हो गई वो टच हो जाएगा वहीं पर, लेकिन जो बुद्धिमान जो होते हैं वो शोषक दिल वाले हैं, क्योंकि उनको उनके अंदर सारे पुराणों का शास्त्रों का कतिक पक्षों का सबका ज्ञान है, तो वो ना जाने कहाँ से बोलना शुरू कर देंगे, वो दूसरे की बात को बहुत मुश्किल से स्वीकार करते हैं। अच्छा एक उसमें मुझे स्वामी जी का ये बड़ा अच्छा लगा कि राजजीन को प्राप्त करना है तो द्रौपदी की तरह बन आपको आना पड़ेगा, इसे द्रौपदी जब तक वो उसकी जब तक उसके औरों का सहारा उसको दिखाई देता रहा तब तक उसको जो है वो सहारा नहीं मिल पाया जो जिसे उसे मिलना चाहिए, जब देख लिया कि संसार की कोई कोई मेरे को सहायता नहीं करते तो तब द्रौपदी को जो है फिर वो श्री कृष्ण की याद आए और उन्होंने आकर के सूक्ष्म रूप से उनको सहायता प्रदान करी, तो राज्य भी तभी मिलेंगे जब हम इन सब मतलब शरीर से भी और संसार से थोड़ा ऊपर उठ जाएंगे, इसको प्रत्याग करेंगे और एक ही रास्ता एक ही दिल में एक ही ख्वाहिश होगी बस श्री राज, तो फिर हम जो है उनको प्राप्त आसानी से कर सकते हैं। एक उन्होंने स्वामी जी ने इस चर्चा के अंदर बड़ा अच्छा वर्णन करा कि अमरपाली थी एक वहाँ की वधु थी वैशाली की और ये शिष्या बनी है बाद में जो है गौतम बुद्ध जी की, तो उन्होंने कहा कि सुंदर ये जो हम ये जो मद है किसी के अंदर सुंदरता का होना किसी के अंदर धनवानता का होना किसी का घना पढ़ा लिखा होना भी एक अहंकार का कारण बनता है, तो वो कहते हैं जितनी भी चीजें हैं सुंदरता कितनी क्यों ना ये हम जो आज ये थी अमरपाली जी थी जब उनको चर्चा दी उन्होंने और चर्चा के अंदर जब सुंदरता पर उन्होंने चर्चा दी और ये बता दिया कि सुंदरता जो है वो केवल यहीं तक है इससे ऊपर कोई सुंदरता नहीं, वहां तो आत्म और परमात्म का ही संबंध है, यहाँ वहां वो ये नहीं चली यहाँ की सुंदरता वहां नहीं चली, तो फूट फूट कर रोई और अंत में उसने वहीं पर ही शिष्य ग्रहण कर लिया। और एक ये आज बड़ा अच्छा लिखा दिया है उन्होंने कि चितवन की महत्ता पर बड़ा अच्छा प्रकाश था कि हम जो है आज हमारा समाज जो है वो चितवनी से कम भजनों पर ज्यादा निर्भर है, वो यहाँ तीन बातें आती हैं, एक तो भजन एक वाणी और एक चितवनी, तो हमारा समाज जो है हम देख रहे हैं कि मंदिरों में भी जा रहे हैं आप स्वामी जी ने कितना अच्छा लिखा 400 मंदिर है लेकिन 400 विद्वान नहीं है हमारे समाज के अंदर 400 मंदिर तो हैं
400 विद्वान नहीं है, उन्हें यही पता नहीं कि चितवनी का महत्व क्या, इम्पोर्टेंस क्या है। तो उन्होंने यही बताया कि भजन, अगर भजन क्योंकि ये हमारे फिल्मी धुनों पर होते हैं, ये एक दिन ऐसा आ जाएगा हम वाणी को बिल्कुल पढ़ेंगे ही नहीं, और हर वक्त हमको भजन की जरूरत पड़े, भजन ही गाया करेंगे। तो ये भजन जो है हमारी वाणी को पीछे धकेल रहा है, इसलिए या तो वाणी में जो राग दे रखे हैं, राग हम राग हर एक की बस की ना तो गाने हैं पॉसिबल है, और ना ही जो अगर कोई गा भी रहा हो ना तो उसको सुनना भी इतना आसान नहीं है। तो वाणी के जो राग हैं वो बड़े सर्वोपरि राग है। तो उनका कहना यही था कि वाणी के द्वारा, वाणी हमको ये बतला रही कि हमें चितवनी में जाना है, और इस प्रकार से लास्ट स्टेप है तो राज्य महाराज को प्राप्त करने का, वो चितवनी ही एकमात्र है। उन्होंने विक्रम संवत 1748 के अंदर चितवनी इसलिए की, ना कि इसलिए कि मैं राज्य को देखू, इंद्रावती जी ने चितवनी इसलिए की, महामती जी ने चितवनी इसलिए की क्योंकि वो ये सब सुंदर साथ में बताना चाहते थे कि ये ही एक मार्ग है जो तुमको परमधाम पहुंचा सकता है, ना ये ब्रज में था तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास रास में था, इसीलिए तुमको जो वहां कुछ भी पहचान नहीं हो सकी। आज जागनी के ब्रह्मांड के अंदर ये एक ऐसा बाण लेकर के आए हैं जो हमें चितवनी से ही हमको परमधाम का रास्ता सुलभ हुआ है। गुरु श्री प्राण नाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, इतनी सुंदर ये बात ना हम लोगों ने, सुंदर साथ जी हम लोग कार में जा रहे थे, हम लोगों ने ये चर्चा लगाई, और ये वाली बात जो महामती खेले अपने लाल सो अक्षरातीत कहो, इसको हमने बार बार 3-4 बार रिवाइंड करके बार बार सुना कि ये कह क्या रहे हैं स्वामी जी। इसीलिए मैंने वहां पर रोका था कि वो कहते हैं कि महामती जी इंद्रावती की शोभा का नाम है, और अक्षरातीत धामधनी अक्षरातीत है, तो महामती श्री अक्षरात, महामती श्री प्राणनाथ किस प्रकार, जैसे राधे श्याम या राधा कृष्ण बोला जाता है महामती जी पहले और फिर अक्षरातीत, बहुत ही प्यारी ये बात लगी। पर मेरा ना इसमें एक थोड़ा सा प्रश्न भी है कि महामती जिनको कहा जाता है उनकी पांचों शक्तियों में स्वयं अक्षरातीत भी है, उनकी पांचों शक्तियों में भी अक्षरातीत छुपे हुए हैं, तो उस साइड में भी अक्षरातीत है और इस साइड में भी अक्षरातीत ही है, महामती जी के अंदर भी वही और वो भी वही, तो एक्चुअली में एक ही है पर शोभा देने के लिए इंद्रावती जी को उन्होंने चुना है। क्योंकि जब आप पांचों शक्तियां देखें ना तो उनमें एक हुक्म भी आता है और वो हुक्म स्वयं श्री राजी ही है और अक्षरातीत भी राजी है। ये बड़ी प्यारी कारीगरी जो धनी ने बनाई है ना उसमें बहुत आनंद छुपा हुआ है। सुंदर साहब जी एक ना बहुत सुंदर स्वामी जी ने बोला, जीव जब विरह में तड़पता है ना, ये जीव की जब सर्वोच्च अवस्था होती है विरह में तड़पता है तो ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि वो प्रेम कर रहा है, पर जीव के पास प्रेम है नहीं, तो एक्चुअली में प्रेम है किसके पास, अक्षरातीत के पास। आत्मा के पास भी प्रेम नहीं है सुंदर साहब जी, यही तो बेवरा करने आए हैं यहाँ पे कि प्रेम है किसके पास, बड़ा तो छोड़ ही दो हमारे पास तो है ही नहीं। तो प्रेम केवल अक्षरातीत के पास है और आत्मा को भी वही देते हैं जब जीव विरहा की परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, उसके बाद आत्मा एक्शन में आती है और उनको प्रेम मिलता है और वो धनी की ओर अग्रसर होती है। तो बड़ी प्यारी प्यारी छोटी महीन बातें सुंदर साहब जी स्वामी जी ने बताई हैं, और कल डिफरेंट सुंदर साहब जी भी रेडी रहेंगे, कल और सुंदर साहब जी के भी हम लोग सुनेंगे। हाँ जी, चांद कमल आंटी जी से हम सुनेंगे अब, और सुंदर साहब जी इस महीने की तारतम मंजरी का लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। इस बार हमारे ही जूम के दो सुंदर साथ श्रीमती गीता चौहान जी और प्रवीण भाई पटेल जी के लेख उनमें आने वाले हैं, जो कि इनमें बोल चुके हैं, वो शेयर किए जा चुके हैं ग्रुप्स में, उनको जरूर पढ़िएगा, बहुत आनंद आएगा। प्रवीण भाई बहुत तन्मयता से आज भी लिखते जा रहे हैं, आपका दूसरा लेख प्रवीण भाई रेडी होना चाहिए अगले महीने के लिए। और सुंदर साथ जी गोष्ठी में जो जो सुंदर साथ बोल रहे हैं उनको फाइनल भी कर रहे हैं नोट्स के लिए भी, और उनको तारतम मंजरी में भी छपने के लिए भेजा जाएगा। और भी पत्रिकाओं से यदि आपका संपर्क हो सके तो उनमें भी भेजिए, जितने सुंदर साथ तक ये लाभ ये प्रेम पहुंचे उतना अच्छा सुंदर साथ जी। हाँ जी, चांद कमल आंटी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी,
सुंदर साची, मैंने तो बहुत ही सुंदर सुंदर पहले प्रफुल्ला बहन का कितना दिल से निकले हुए भाव थे ना उनके, मतलब उनके शब्द नहीं उनकी आंखें बोल रही थी, जो वो बोल रही थी ना, बहुत बहुत आनंद आ रहा था मुझे कि उनके दिल में कितने भाव आ रहे थे वो व्यक्त ही नहीं कर पा रही थी, जितने भाव आ रहे हैं वो उतने प्रकट ही नहीं कर पा रही थी। और दुष्यंत भाई को तो क्या कहें भाई, उनकी तो प्रेम, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान, सबको हम नमन ही कर सकते हैं कि वो बहुत बहुत अच्छा ग्रहण करते हैं और उसको उतनी ही सुंदरता से व्यक्त भी कर सकते हैं। ये दिल से जागनी का खुलासा बोल रहा है, ये दिल से जागनी का खुलासा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। नहीं लेकिन श्रीनिवास जी की तो वही नॉलेज ही इतनी अद्भुत है कि आपने पहले भी कहा था कि एक दिन हम उनको पूरा होने को ही उन्हें को सुनेंगे, वो समय कभी आएगा कभी हम सुनेंगे उनको। सुंदर साथ जी, मैंने इस मतलब जो भी इस चर्चा से ग्रहण किया, जो मेरे दिल में आया वो बताना नहीं चाहिए, राजी कहते हैं दिल में ही रखो, पर अब सेवा मिली है तो इसलिए दिल के भाव राजी ही बताएंगे। मुझे सबसे पहली बात जो बहुत खूबसूरत लगी वो ये कि राजी अभी गए नहीं है। हम लोग जो ये मानते ना कि राजी चले गए, कई लोग ऐसा, हमारे भी, मेरे भी दिल में ऐसे आता था कि अब तो पता नहीं हम ब्रह्म सृष्टि हैं भी कि नहीं है, क्योंकि राजी तो चले गए, रूहें तो जाग गई, अब हम बच गए, हम पता नहीं हैं भी कि नहीं है। तो सबसे पहली सुंदर बात जो मेरे दिल को छुई कि राजी गए नहीं है, अभी भी हैं और हमें लेके ही जाएंगे। दूसरी बात जो स्वामी जी हमेशा कहते हैं चितवनी करो, हम भी सोचते थे चितवनी कह रहे हैं, हम लोग कर देते हैं भाई, अब उन्होंने ये भी बताया चितवनी करो। मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि श्री प्राणनाथ जी ने, मतलब प्राणनाथ जी इंद्रावती ने, पहले दोनों में डिफरेंस कर दिया उन्होंने, इंद्रावती जी ने खुद चितवनी करके दिखाई और एक दो नहीं कितने साल तक वो ध्यान में रही। तो ये वो बता रहे कि मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजी कह रहे हैं कि चितवनी करो। तीसरी उन्होंने सुंदर बात बताई कि माया हटेगी तो राज्य की तरफ ध्यान लगेगा। हम 24 घंटे कहते हैं अरे हम बैठते तो हैं, ध्यान तो लगता ही नहीं, मैं भी बोलती हूँ यही, ध्यान तो लगता ही नहीं है, चितवनी तो लगती नहीं है। तो उन्होंने मार्ग बता दिया, माया हटेगी तो चितवनी लगेगी, माया को हटाने का रास्ता भी उन्होंने बता दिया। माया कैसे हटेगी, जब माया से धक्का पड़ेगा ना, जब चोट लगेगी ना, तो हम चलेंगे राज्य की तरफ। जब तक हम माया की तरफ से 36 नहीं बनेंगे, राज्य की तरफ से 63 नहीं बन सकते। तो चोट लगेगी, अब डर भी लगता है, सही बात बताऊं अंदर से डर लगता है भाई कोई इतनी बड़ी चोट ना लग जाए कि हम हिल ही जाएं। तो आसान सा उपाय है, चोट नहीं खानी है तो पहले ही छोड़ दो ना, पहले ही छोड़ दो तो चोट लगेगी नहीं। तो मेरे को ये 2-3 बातें बड़ी अच्छी लगी स्वामी जी की, मतलब जो आज तक हमारे दिल में पीड़ाएं थी ना, उन पीड़ाओं का समाधान राजी कर रहे हैं। राजी आपका बहुत शुक्रिया, कैसे वो एक एक सीढ़ी करके मेरी जैसी जो भी थी निकृष्ट जीव था, माया में फंसे पड़े हैं, टाइम ही नहीं है, रिटायर हो गए तो एक और जॉब पकड़ ली, चलो यहाँ पार्ट टाइम चलते हैं, टाइम ही नहीं है, सब बोलते थे अरे समय नहीं है, राजी ने पूरा वर्ल्ड हिला दिया, कोरोना कर दिया, टाइम नहीं है चलो घर बैठो, घर बिठा दिया उन्होंने, अब टाइम ही टाइम है। फिर सुनने लगे थोड़ा 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 थोड़ा, चलो ये इधर खिड़की खटका दो, इधर की खिड़की खटका दो, समझ नहीं आता था। सुदेश बहन जी का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे लिंक दिया, सोनिया ये करवा रही है कर लो, पहले ही दिन बैठ गई मैं तो। अब तो जो उन्होंने एक एक सीढ़ी एक एक जैसे ना कदम एक एक कदम पकड़ के खींचना शुरू किया, चलो एक कदम और आगे, चलो एक कदम और आगे, चलो एक कदम और आगे, राज्य का बहुत शुक्रिया वो यहाँ तक लाए हैं। अब अंतिम सीढ़ियां भी वो चढ़वा रहे हैं, चितवनी करनी है, हम कह रहे हैं हमारी नहीं लगती, वो रास्ता बता रहे हैं ये रास्ता है, इस रास्ते से चलो चितवनी लगेगी। और चितवनी लगेगी, अगर चितवनी का मतलब क्या कि राज्य दिखेंगे हमको, हमें परमधाम दिखेगा इन आंखों से, जब परमधाम दिखेगा, जब राज्य दिखेंगे तो माया कहाँ असर करेगी, क्योंकि हमारी जो 5 इंद्रियां है ना वो भौतिकता की ओर भागती हैं, आंखें सुंदर सुंदर चीजें देखना चाहती हैं, कान म्यूजिक सुनना चाहते हैं, राज्य की जब चितवनी लगेगी, जब राज्य दिख जाएंगे, जब परमधाम दिख जाएगा,
तो इन पांचों इंद्रियों को उधर जाने की फुर्सत ही नहीं होगी, क्योंकि यही इतनी सुंदरता, यही सब कुछ मिल जाएगा, वहां कहाँ जाओगे, सब कुछ तो यही भंडार भरे पड़े। फिर 24 घंटे ध्यान राज्य की तरफ लगेगा तो होगी असली जागरणी। ये जागरणी होगी, ये जो मेरे को दिल को मेरे छुई बातें वो मैंने सुंदर साजी आपके सेवा में प्रकट की। बाकी तो राज्य जानते हैं, वो चढ़ा रहे हैं आगे ले जाएंगे, हम तो बैठे इंतजार में। तो बहुत 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 आनंद आया आज की चर्चा से। मुझे तो लगता है बार बार सुननी चाहिए, जब जब भटको जब जब सुनो। तो ये बहुत सुंदर सुंदर बातें आप बता रहे हो सोनिया, अभी तक तो मैं नहीं कहती थी, लेकिन अब जरूर कहूंगी कि आपके शिर चरणों में मेरा प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपने इतना सुंदर, आपने दिल के जो भाव बताते हैं ना सुंदर साहब जी, कई बार हमारे भाव भी वही होते हैं, हम व्यक्त नहीं कर पाते, तो वो दिल को ऐसे छू जाते हैं कि मेरे ही दिल से निकली हुई बात कैसे सुंदर साहब जी ने बताई। अति सुंदर चांद आंटी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। ऐसा महसूस होता है सुंदर साहब जी, अंतर्दृष्टि तो राज्य खोलेंगे, पर कम से कम बाहर के चक्षुओं को बंद करें तो अंदर कुछ तो महसूस होता है कि खुलेगी तो ये दिखेंगे। और वो जो पर्दा था ना जीव और आत्मा के बीच का, ये जो जिसपे आत्मा देख रही है ना जीव रूपी पर्दे पे, ऐसा लगता है सुंदर साहब जी बहुत मोटे स्टोन जैसे पर्दे से शुरू किया था, पर अब वो धीरे धीरे पर्दा पतला होता जा रहा है और लग रहा है कि उस पार वो छवि है, उस पर्दे के उस पार वो छवि नजर आने वाली है। बस इतना पतला हो गया कि ट्रांसपेरेंसी की हद तक पहुंचने वाला है सुंदर साहब जी। वो सामने खड़े हैं, डेफिनेटली 100% खड़े हैं, और वो पर्दा जैसे जैसे झीनी परत को पाता जाएगा ना, वो सामने, वो तो तैयार हरदम 24/7 खड़े हैं सुंदर साहब जी। आपने देखा होगा, आंखें बंद करके महसूस कीजिएगा, उस पर्दे के अंदर से भी उनके नूर की किरणें आ तो रही हैं, है ना। और वो नूर की किरणें ही हमारे दिल को खींच रही हैं कि कल फिर बैठना है, क्योंकि वो नूर की किरण और प्रकाशमय और प्रकाशमय क्यों होती जा रही है, क्योंकि पर्दे का पतलापन बढ़ता जा रहा है। तो सुंदर साहब जी बैठना नहीं छोड़ना, बस सामने खड़े हैं थोड़ी सी देरी, थोड़ी सी। हाँ जी आशी दीदी, मैं सोच रही थी चांद कमल आंटी के बाद आशी दीदी, और पहले ही राजी सुन लेते हैं। प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी, सुंदर साहब जी सबके चरणों में प्रेम प्रणाम। मैं कहने को तो कुछ रहने गया, लेकिन सोनिया तुमने याद करा, राजी ने हाथ खड़ा करा दिया, तो इसलिए मैं सामने आ गई। सुंदर साहब जी, मैं सबसे पहले तो सोनिया के इस प्रोग्राम की तारीफ करूंगी। क्यों, आज एक नया अनुभव हुआ यार। आज क्या हुआ, जब मैंने ज्वाइन करा, मैं थोड़ा सा लेट हो गई, वरना मैं 6 बजे से पहले ज्वाइन करती हूँ, 6:05 ही थे, तो वो लिखा बार बार लिखा रहा है कि 100 से ऊपर हो गया, ओके नहीं ज्वाइन कर सकते। तो मुझे यूट्यूब के थ्रू ज्वाइन करना आता ही नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी बट आई कुड नॉट ज्वाइन। फिर मैंने राजन स्वामी की जो तूने कल सुनाई थी, उसका जो निचोड़ आता है वो सुनने लग गई, सुंदर साथ के जो उद्धृत जैसे अब चल रहा वो सुने, तो उसमें भी देखा अभी 7:00 टाइम मतलब ही रहता है। मुझे लगा एक बार फिर ट्राई करूँ, फिर ट्राई करा तो 98 से तो मुझे जगह मिल गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जितनी भी राजन स्वामी की चर्चा हुई आज मैं नहीं सुन पाई, वो सारे के सारे, एक शायद कोकिला बहन का मैं नहीं सुन पाई, जो नाम लिया अभी आपने, दुष्यंत जी बोल रहे थे जब मैंने ज्वाइन करा, तो मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा लगता कि राजीव महाराज क्या शुक्रिया आपका करूँ, आपने तो मुझे जो मिस हुआ था उसका सारा सुख दे दिया। और सोनिया ये सच्चाई है कि जो ये चल रहा है ना कंक्लूडिंग प्रोग्राम, उसमें मुझे लगता है राजन स्वामी की चर्चा पूरी की पूरी कवर हो गई होगी। सिर्फ मुखारविंद नहीं सामने आता, मुखारविंद सुंदर साथ का आता, उनका नहीं आता तब, इतना सा अंतर जरूर रह जाता, लेकिन मुझे इतना आनंद आया ना सबके भाव सुने, तो मुझे लगा हुआ राजी मैंने तो पूरी चर्चा सुन ली जो आप सुनाना चाहते थे मुझे, अब उनमें से क्या क्या निकल के बाहर आया वो मेरे कहने की जरूरत ही नहीं है, सबने अच्छे से बता दिया। और मुझे तो यही लगा कि जैसा सुंदर साहब सामने बैठा होता है ना सुनने वाला, अंदर बैठे राजी उसी हिसाब से बोलते जाते हैं टूटे हुए दिल को, जो सामने टूटे हुए दिल वाला बैठा है ना माया से, वो एक लवे हो से टूट टूट हो जाता है सुंदर साहब जी। ये
कईयों का अनुभव होगा हम सामने से, एक का नहीं कईयों का होगा, है ना। तो दूसरा ज्ञान के लेवल से भी, हाँ वो बात मुझे याद आई जब बोल रहे थे ना श्रीनिवास जी कि जिसको बहुत ज्ञान है ना उसको इधर लाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रास्ता तो प्रेम का है, ज्ञान खाली तो काम आता ही नहीं रास्ते पे। तो मुझे ना वो इंसिडेंट याद आ रहा था जैसे हरिद्वार में शिव जी साहब जाहिर भी हो गए, इतने संप्रदायों के आए, किसी का नाम नहीं सुनने में आता उनके साथ चलाओ, सबने मान लिया, लेकिन शायद मेरी नॉलेज में कमी हो, तो मुझे यही याद आ रहा था किसी का नाम नहीं आया उनके साथ चला, क्योंकि सब मान भी लिया, भाई निरखंड आरती भी उतर आई, सब कुछ हो गया, लेकिन नाम नहीं आया। तो श्रीनिवास जब बोले थे ना मुझे वो नजारा याद आ रहा था, शिवजी साहब जी उस स्टेज पे बैठे हैं हरिद्वार में, सामने सभी संप्रदायों के बैठे हैं, कैसे धार्मिक चर्चा चल रही है, वाद विवाद हो रहे हैं। वाह जी, सब कुछ याद दिलाया आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए बहुत बहुत प्रेम प्रणाम, सब सुंदर साहब के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, मैंने अपना अनुभव शुरू करा। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, अति सुंदर सुंदर साहब जी, आपने आशी दीदी सब कुछ सुन लिया, क्योंकि स्वामी जी ने पहले मक्खन निकाल के दिया और सुंदर साहब जी ने उसमें से भी घी निकाल लिया, तो आपने वो ले लिया एक्चुअली में। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर सुंदर साहब जी, बहुत लक्की हूँ हरपल राज जी का, इसीलिए शुक्रिया करती हूँ। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साहब जी बहुत गहराई से सुन रहे हैं और उसको ग्रहण कर रहे हैं, उस पर चलने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात। सुंदर साहब जी कल ये फिर से चर्चा, इसका जो पार्ट है रिमेनिंग पार्ट वो हम सुनेंगे, और परसों से नॉर्मल रेगुलर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। पर एवरी सैटरडे संडे ऐसी ही एक दुर्लभ चर्चा दो पार्ट में लगाई जाएगी, उसको मिस मत कीजिएगा। हाँ जी चित्रा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सब सुंदर साथ को। इन सब सुंदर साथ के बाद बोलने का सच में कुछ नहीं है, और स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनकी चर्चा बहुत ही ज्यादा प्रेम से अंदर तक गई, मैं लिख नहीं पाई इसलिए ज्यादा कहा नहीं कुछ, क्योंकि बाकी सुंदर साथ ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। जब चांद आंटी बोल रहे थे ना कि हमें संसार की तरफ देखना ही नहीं है, तो इससे ऐसे मेरा एक भाव शेयर करने का दिल कर गया कि हमारी वाणी हमें यही सिखाती है कि हमें अपना नजरिया कैसे बदलना है। तो मतलब देखने के बाद तो बाकी जीव भी दुनिया के कर सकते हैं कि देखा दुख लगा तो हम इधर आ गए, लेकिन हमें देखना ही नहीं है वाला जो नजरिया है ना। उस दिन हम मीनू आंटी की क्लास में थे, तो दीप्ति जी हैं सुंदर साथ किरण आंटी के साथ बैठे थे, मुझे उनकी एक बात इतनी छुई, वो मेरा दिल किया यहाँ पे शेयर करने का। वो कहती हैं कि राजी हमारी लास्ट ऑप्शन नहीं, फर्स्ट चॉइस होने चाहिए। तो मतलब ये होता है हमारी वाणी से, वाणी मंथन से, राजी के साथ प्रेम से, कि हमें ऐसा नहीं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो तब हम राजी की तरफ चल पड़े, हमें राजी होने ही हमारी फर्स्ट चॉइस चाहिए कि तुम बिना किन से कहूं पिया तुम हो मेरी आस जी। तो ये सब हमारी वाणी हमें सिखाती है, हमारे सद्गुरु सिखाते हैं, आपके जैसे सुंदर साथ हमें इस रास्ते पे चलना सिखा रहे हैं। तो बस समय बहुत हो चुका है, ज्यादा नहीं कहूंगी, दिल कर रहा था बस इतना सा कहने को। प्रणाम जी, प्रणाम जी, कितना सुंदर आपने याद दिलाया चित्रा कि राजी हमारी लास्ट ऑप्शन, लास्ट रिजॉर्ट नहीं होने चाहिए, कि अब दुख आ गया है तो राजी अब हम पास आते हैं, नहीं फर्स्ट चॉइस होने चाहिए। अति सुंदर चित्रा, प्रणाम जी। दर्शा जी एक सुंदर साथ है, वो कहते हैं दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, ये प्रकरण है ना वो गाते हैं, बहुत सुंदर गाते हैं, और कहते हैं ये गाता हूं ना अंदर ही अंदर डरता हूं मैं कि कहीं ये गाया तो राजी दुख दे ना दे, तो अंदर ही अंदर मुझे डर लगता है ये गाते हुए। तो सुंदर साहब जी क्या हमें दुख से अभी भी डर लगता है? स्वामी जी कहते हैं कि या तो आज हंसी खुशी चितवन में बैठ जाओ, जैसे कि चांद कमल आंटी ने बोला आज सब परिस्थितियां घर में नॉर्मल है, सही है, इससे वर्स्ट हो सकती है, महाप्रलय आएगी, बहुत कुछ होगा। सुंदर साहब जी क्या कहते हैं स्वामी जी, या तो हंसी खुशी बैठ जाओ नहीं तो रो पीट के तो बैठना ही पड़ेगा। सरकार श्री भी कहते थे बिठाएंगे तो वो सही, आज हंसी खुशी बैठ जाओगे तो खुद ही सुखी रहोगे, क्योंकि इधर से भी कोई शिकायत ना होगी और उधर धनी भी साथ में मिल जाएंगे, नहीं तो रो रो के बैठोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। इसीलिए आज ही प्रबोध कर रहे हैं कि बैठना शुरू करो और ध्यान मन को, सुंदर साहब जी साधना
शरीर बैठ रहा है, बड़े दिन से बैठ रहा है, मन को अब समेटना शुरू कर दीजिए। मन जाता है, बहुत सारे जीव के संस्कार हैं आज तक 400 साल से जाता है वहां, बार बार जाता है, पर उसको धीरे धीरे ना समेटना शुरू कर दीजिए। अपने मन को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दीजिए दिन में भी ना। ये ट्रेनिंग उसी घंटे में नहीं आती है सुंदर साहब जी कि अब हम चितवन में बैठ गए अब मन को ट्रेन कर लेते हैं, नहीं। मन की ट्रेनिंग 24 आवर्स, जितने घंटे कम से कम जाग रहे हैं ना, मन को ट्रेन करते रहिए। भागा इस तरफ, भागा, अरे उसने उसको ये बोल दिया, नो नहीं, मन मेरा मन है, आई कैन ट्रेन इट। बोलते हैं मन है ना, उसको जीव के बराबर शक्तिशाली बोला गया है, हालांकि जीव के हृदय के अंतस्करण का भाग, जैसे मन चित्त बुद्ध अहंकार होता है ना, अक्षर ब्रह्म के हृदय के अंतस्करण का एक भाग मन होता है, जीव के अंतस्करण का भी छोटा सा भाग मन होता है, पर मन को जीव के बराबर शक्तिशाली बोला गया है, सम्राट बोला गया उसको। क्यों? क्योंकि मन जीव के ऊपर हावी हो जाता है और उसको कंट्रोल कर लेता है कि नहीं, मेरा मन कर रहा है मुझे ये खाना है, मेरा मन कर रहा है मुझे इसकी बात करनी है। नहीं मन, तुम मेरे जीव का एक भाग बनकर रहो, क्योंकि यदि उस नौकर को मालिक बना दिया तो आपको लूट कर खा जाएगा, आपकी पूरे प्राण, आपके पूरी सांसें वो खा जाएगा सुंदर साहब जी। तो उसको ट्रेन कीजिए आके, रोज आज सुबह से अपनी चेकिंग करते रहना, आज पूरा दिन देखना कहाँ भागा। नहीं मन, यू आर नॉट अलाउड टू गो देयर। नहीं, मेरे धनी ने मैं वाणी में कहा है उसकी बात नहीं करनी, फालतू में समय व्यर्थ नहीं करना, आओ आज मैंने जो सुना आज मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मेरे धनी का श्रृंगार ऐसा है। नहीं आता कोई बात नहीं, इंद्रावती जी की कोई बात तो याद आती है वाणी की, उसको पढ़ लीजिए, उसको सुन लीजिए, उसको मंथन अपने दिल में चलाते रहिए। कोशिश कीजिएगा मन को समेटने की, सबसे बड़ा बाधक है ना ये मन है हमारा, इंद्रियां भी सारी इसने अपने वश में कर रखी हैं, तो इसलिए आज से चेकिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ कब कब कितने कितने टाइम ये भागा और मैंने इसको रोक लिया। एक बार भी दिन में आज रोक लिया ना तो समझिए सफल हो गए, कल वो 2 होगा, फिर 3 होगा और फिर ये कहीं जाएगा ही नहीं। ये ट्रेंड मन की तरह हमारे साथ हमारी हेल्प करेगा कि नहीं अब तो समय हो गया धनी की तरफ लगने का, ये याद दिलाएगा फिर। तो आइए सुंदर साहब जी अब चलते हैं, समय बहुत हो चुका है, पर इतनी सुंदर चर्चा हमारे सुंदर साहब जी के मुखारबिंद से भी जो दोहराई हुई अति सुंदर लगी। सुंदर साहब जी अपने लेख भी लिखते जाइए, हम सुंदर साथ के समूह की ओर से 5 लेखों की सेवा, एटलीस्ट 2 मैक्सिमम 5 की सेवा हर मंथ हमें देनी है, ऐसा हमें प्रण करना है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री पन्ना धाम की जय, बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी।